जिंदगी वक्त के छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। सबसे खास बात यह है कि हर हिस्से की अपनी एक अहमियत होती है। एक बार वह हिस्सा अगर ख़त्म हो जाता है तो उस हिस्से की ज़िंदगी भी वहीं थम जाती है। इसलिए समय का बड़ा महत्व होता है। और एक कहावत है ना, टाइम इज़ मनी। हमें अपने हर एक लम्हे को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो बीत जाता है, जो समय बीत जाता है, वह कभी भी वापस नहीं आता है। समय, जी हाँ गाइस, समय की कीमत को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि टाइम इज़ मनी। मतलब यही होता है, समय ही धन है। अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि समय से ही जीवन बना होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मान लो कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो और उस एग्ज़ाम्स में आपको तकरीबन 74.80% मार्क्स आते हैं, उसी समय उसी राज्य में, जिस राज्य में आप रहते हो, अगर सरकार के द्वारा, पता ही है ना आपको कि बहुत सारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट फ़ोन्स वगैरह वगैरह सब जो है ना आजकल वितरण चालू हुआ है, और इसका भी एक कुछ कैटेगरीज होती है कि आपको इतने परसेंट आएंगे तो ही आपको मिल पाएंगे। तो जस्ट गेस कि आपके जो है ना मार्क्स आए हैं 74.80%, और ये जो लैपटॉप जो है वितरण योजना जो चल रही है, उन लोगों को मिलेगी जो 75% अंक लाएंगे। तो जो लैपटॉप होगा वो मान लो HP का लैपटॉप भी होगा, मतलब काफ़ी बढ़िया लैपटॉप होगा। और अब आपके जो मार्क्स आए हैं 74.80, यानी कि आपके जो है ना 0.20% मार्क्स कम आए हैं। मात्र एक नंबर अगर कम आते हैं और आपके हाथ से जो फ्री में मिलता हुआ जो लैपटॉप है वो आपको नहीं मिल पाता है, तो फिर आपको क्या फील होगा। और उस समय डेफिनेटली उस समय आप यही सोचोगे कि सिर्फ 10 मिनट और ज़्यादा अगर हमने पढ़ लिया होता तो हमें आसानी से हमें फ्री वाला लैपटॉप यानी कि HP वाला लैपटॉप भी मिल गया होता। तो गाइज, यही है समय और यही है समय का चक्र, और हमें अपने समय को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। समय की कीमत तभी समझ में आती है जब समय निकल जाती है। इसलिए गाइज, समय की कीमत को समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज। कैसा लगा वीडियो बताना नीचे कमेंट करके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, समय को बचा के रखना। बाय बाय, टेक केयर।